Hi friends, welcome back to my YouTube channel Career Information. Hope you guys subscribe my channel for more update and press bell icon and share my channel. So friends, मैं इस वीडियो पर आप लोग को बोलना चाह रहा हूँ कि नवोदय विद्यालय समिति का वैकेंसी रिलीज हुआ है 2200 फैकल्टी का. सो रिक्रूटमेंट फॉर प्रिंसिपल देन पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर ऑफ नवोदय विद्यालय समिति. सो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो पर आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि वैकेंसीज का बारे में, देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देन एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज रिलैक्सेशन एंड मोड ऑफ सिलेक्शन. सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं ये रिक्रूटमेंट ऑफ प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स एंड मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर्स इन नवोदय विद्यालय समिति. सो फ्रेंड्स, आप लोग ये देख सकता है नवोदय विद्यालय समिति हैंस फोर्ड मैंसन्ड एज NVS. NVS हम जो बोलते हैं उसका रिगार्डिंग पोस्ट है, इज़ एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. सो एजुकेशन पोस्ट है, तो स्टेट वाइज अलग अलग वैकेंसी है. NVS invites online application from Indian citizens for recruitment on direct basis to the post of principal, postgraduate teachers, trained graduate teachers and miscellaneous category of teachers in Navodaya Vidyalaya Samiti. So friends, ये है details of post-wise category vacancies regarding principal, general 07, EWS 1, OBC NIL, OBC NCL, sorry, OBC 3, SC 1, then total 12. Postgraduate teacher के लिए subject wise vacancy for different category. Category wise ये vacancy है, आप लोग देख सकते हैं. एक number पे है biology, then chemistry, commerce, economics, English, geography, Hindi, history, मैथ्स, फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस. सो फ्रेंड्स, ये है आप लोगों के लिए लेटेस्ट अपडेट. देन ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स के लिए ग्रुप बी के लिए सब्जेक्ट है इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज. कैटेगरी वाइज वैकेंसी अलग अलग होगा. देन ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स थर्ड लैंग्वेज ग्रुप बी सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसी एसामीज, बोडो, गारो, गुजराती, कन्नडा, खासी, मलयालम, देन मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू. सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं. और देन ये है मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर्स फॉर ग्रुप बी सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी एंड कैटेगरी वाइज म्यूजिक, आर्ट, पेट मेल, पेट फीमेल, लाइब्रेरियन. सो फ्रेंड्स, पोस्ट कोड एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर प्रिंसिपल पोस्ट कोड 01. पे स्केल होगा आप लोगों के लिए 78,800 से 2,09,200 इन पे मेट्रिक्स. अपर एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 50 इयर्स. एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर प्रिंसिपल इज मास्टर डिग्री. मास्टर डिग्री होने से हो जाएगा, 50% एग्रीगेट उनका परसेंटेज रहना पड़ेगा. और बीएड और इक्विवेलेंट टीचिंग डिग्री बीएड भी रहना पड़ेगा प्रिंसिपल के लिए. देन एक्सपीरियंस पर्सन्स होल्डिंग एनालॉग्स पोस्ट और पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इन लेवल 12 इन द पे मैट्रिक्स. वाइस प्रिंसिपल के लिए भी आप लोग देख सकते हैं. देन डिजर्वेबल एटलीस्ट 3 इयर्स एक्सपीरियंस एज हाउस मास्टर्स ऑफ ए फुल्ली रेसिडेंशियल स्कूल. एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए फुल्ली रेसिडेंशियल CBSE एफिलेटेड और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल. प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज. आप लोग के लिए इंग्लिश, हिंदी और स्टेट वाइज लैंग्वेज जानना पड़ेगा. वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स भी थोड़ा जानना पड़ेगा. और फॉर ग्रेजुएट टीचर्स there will be vacancy for biology, chemistry, commerce, economics, English and geography. यहाँ पर पोस्ट कोड शामिल है और पोस्ट होगा आप लोग के लिए हिंदी, हिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस फॉर ग्रेजुएट टीचर्स. देन एसेंशियल क्वालिफिकेशन
2-year integrated postgraduate course from Regional College of Education of NCERT or any other NCTE recognized university or institute in the concerned subject with at least 50% marks in aggregate. So friends, आप लोगों के लिए 50% marks होना पड़ेगा NCERT postgraduate के लिए. So ये है पोस्ट वाइज मास्टर डिग्री इन द सब्जेक्ट. आप लोग का मास्टर डिग्री में या डिग्री में 50% रहना चाहिए. तो उसका बात है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स पीजीटी कंप्यूटर साइंस एसेंशियल क्वालिफिकेशन एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग देन बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए देन एमएससी इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए देन बीएससी कंप्यूटर साइंस देन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस बी लेवल फ्रॉम DOECCC ऑब्लिक NIELT एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट. सो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं फॉर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर पोस्ट वाइज वैकेंसी आई मीन पोस्ट वाइज पोस्ट कोड इंग्लिश के लिए 13 हिंदी के लिए 14 और देन मैथ्स के लिए 15 साइंस के लिए 16 सोशल स्टडीज के लिए 17 ये है पोस्ट वाइज कोड. देन फॉर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर थर्ड लैंग्वेज पोस्ट वाइज पोस्ट कोड है आप लोगों के लिए एसामीज का 18 बोरो के लिए 19 गारो के लिए 20 गुजराती के लिए 21 कनाडा के लिए 22 खासी के लिए 23 मलयालम के लिए 24 मराठी के लिए 25 मिजो के लिए 26 नेपाली के लिए 27 उड़िया के लिए 28 पंजाबी के लिए 29 तमिल के लिए 30 तेलुगु के लिए 31 उर्दू के लिए 32 एंड देन आप लोगों के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT और अदर NCTE रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट एज वेल एज इन द एग्रीगेट. सो आप लोगों का जिस सब्जेक्ट से होना चाहिए उसमें 50% एग्रीगेट मार्क आप लोग डिग्री में होना चाहिए. देन 40 GT मैथ्स साइंस आप लोग देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज. देन मिसलेनियस टीचर्स के लिए म्यूजिक का पोस्ट कोड है 33 आर्ट के लिए 34 PET मेल 35 PET फीमेल 36 देन लाइब्रेरियन 37 अपर एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं म्यूजिक के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिजायरेबल क्वालिफिकेशन देन आर्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिजायरेबल क्वालिफिकेशन लाइब्रेरियन पेट मेल फीमेल के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन देन एज रिलैक्सेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब 5 years देन अदर ब्रेकवर्ड क्लासेस 3 years वोमेन ऑल कैटेगरी ओनली इफ अप्लाइंग फॉर PGTs एंड TGTs एंड मिसेलेनियस कैटेगरी टीचर्स पोस्ट 10 years रेगुलर NVS एम्प्लॉय आप NVS का नवोदय विद्यालय समिति का एम्प्लॉय होने से नो एज बार. देन आप लोग कास्ट वाइज एज रिलैक्सेशन देख सकते हो. द कट ऑफ डेट फॉर डिटर्मिनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज लिमिट एटसेट्रा विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन of online application by candidates in India. Before applying, applicants must satisfy about their eligibility as on closing date of application. So, friends, EWS candidate के लिए reservation कैसा होगा आप लोग देख सकते हैं. Mode of selection. Candidates will be shortlisted on the basis of the performance in computer-based test. CBT exam होगा आप लोग के लिए computer-based test and then interview होगा. CT है. The center of CBT post principal will be Delhi NCR only and then city and state here mentioned. आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड. Then scheme of examination for post of principal part 1, part 2, part 3 test components of tests
नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा प्रिंसिपल के लिए 10 रहेगा, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए, और मार्क होगा 10, और जनरल अवेयरनेस नंबर ऑफ क्वेश्चन 20, टोटल मार्क 20, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जनरल इंग्लिश एंड जनरल देन नंबर ऑफ क्वेश्चन 20, टोटल मार्क 20। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट आप लोग का 3 घंटा के लिए एग्जाम होगा। देन पार्ट 4, पार्ट 5 आप देख सकते हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी के लिए कंपोनेंट ऑफ टेस्ट और नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड टोटल मार्क एंड ड्यूरेशन आप देख सकते हैं कितना टाइम एग्जाम होगा। और यहाँ पे आप लोग सिलेबस भी देख सकते हो। देन हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू एनवीएस वेबसाइट। आप लोग नवोदय विद्यालय समिति का जो वेबसाइट है navodaya.gov.in, नो अदर मीन्स पर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। सो यहाँ पे आप इस वेबसाइट पर जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ये अप्लाइंग प्रोसीड्यूर यहाँ पे मेंशन है। तो आप लोगों के लिए प्रिंसिपल पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फ़ी है 2000, देन पीजीटीस के लिए 1800 एंड टीजीटी एस एंड मिसलेनियस कैटेगरी टीचर्स के लिए 1500। सो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं ये इम्पोर्टेंट डेट्स, रजिस्ट्रेशन ओपन आज से शुरू हुआ है 2 जुलाई 2022, रजिस्ट्रेशन क्लोजेस 22 जुलाई तक रहेगा 2022 का। देन फीस डिपॉजिट ओपन 2nd जुलाई ऑफ 2022 एंड फी क्लोजेस 22 जुलाई ऑफ 2022। डेट ऑफ सीबीटी विल बी इंटीमेटेड ऑन वेबसाइट ऑफ समिति इन ड्यू कोर्स। आप लोग का वेबसाइट में आप लोग जानकारी ले सकते हो आप लोग का एग्ज़ाम कब होगा कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम का। जनरल इंस्ट्रक्शन ऑफ द कैंडिडेट हेयर मेंशन आप लोग देख सकते हो। देन ये है NXR 1, अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट बी प्रोड्यूस अदर बैकवर्ड ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए ये NXR 1 फॉर्म ऐसा होगा एप्लीकेशन का। देन फॉर्मेट ऑफ SC ST सर्टिफिकेट के लिए NXR 2 फॉर्म ऐसा होगा। देन इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन PWS कैंडिडेट के लिए ये है आप लोगों का डिजर्ट एप्लीकेशन NXR 3। सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन इन एंड एग्जामिनी टू राइट। सो आप लोग देख सकते हैं लेटर ऑफ अंडर टेकिंग फॉर यूजिंग ओन स्क्राइब NXR 5। सो फ्रेंड्स ये था मेरा वीडियो आप लोगों के लिए। और या इस चैनल पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए मुझे कमेंट भी कर सकता है। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स इस चैनल को प्लीज़ आप लोग शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू सो मच फ्रेंड।